हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आई एम निशा सिंह राठौर एंड वेलकम टू लर्न मैथ्स विद निशा सिंह राठौर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन। इन दैट आई विल एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन, नीड फॉर फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन एंड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, fraction as a division and fractional part of a collection. In the end of the video, I will solve some practice question for you that will help you in the exam. And before starting this video, if you are new to my channel, please do subscribe and share this video with your friends. Now let's start the video. First of all, I will give you a brief introduction of fractional number. One question will arise in your mind that what is the need for a fractional number if we have whole number. अगर हमारे पास में whole number है तो हमें fractional number की ज़रूरत क्यों है, ऐसा question आपके mind में आया होगा. Then the whole number are adequate for counting or calculation. जो अपन calculation और counting करते हैं उसके लिए whole number adequate है, यानी पर्याप्त है, काफ़ी है. If we are interested only in finding how many, अगर हम सिर्फ ये find करना चाहते हैं कि ये कितना है, कितनी chocolate से अगर हम ये find करना चाहते हैं, कितनी pencil अगर ये find करना चाहते हैं, उसके लिए whole number enough है. But how can we use the whole number to measure a half of cup of water? अपन कैसे measure करेंगे whole number को अगर half cup of water होगा, है ना, a part of a 1 meter of string, जो 1 meter strings की है उसके part को कैसे measure करेंगे, और 1/4 equal shares of pizza. अगर आपको ये part करना है कि 1/4 pizza का part अगर find करना है तो whole number से तो find हो ही नहीं सकता, तो कैसे होगा. The set of the whole numbers doesn't meet all of our everyday needs. जो set of whole numbers है वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा नहीं करता, है ना. अगर आपको 1/4 पार्ट पिज़्ज़ा का फाइंड करना है तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते. वी नीड अ लार्ज सेट ऑफ नंबर्स विच शुड इंक्लूड द होल नंबर्स एंड सम न्यू नंबर्स दैट विल सर्व फॉर अ पार्ट ऑफ अ न्यू नंबर्स. हमें ज़रूरत होती है एक लार्ज सेट ऑफ नंबर की जो कि इंक्लूड होता है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, एक होल नंबर भी होता है, कुछ नए नंबर भी होते हैं जो कि होल नंबर का ही एक पार्ट होता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, fraction and fractional number. The idea of a part of something is represented by using a pair of numerals to name the new number. For example, जैसे अगर हम 1/2 लिखते हैं तो 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, तो 1 और 2 को यूज़ करके हमने एक नया नंबर क्रिएट किया 1/2. So these new number are called fractional numbers and they are named as फ्रैक्शंस. इन्हें हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं और इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, टू नेम वन ऑफ द 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ चॉकलेट बार, द न्यूमरल्स 1 and 5 आर यूज टू राइट द नंबर सिंबल 1/5. जैसे कि अगर एक चॉकलेट बार है, इसे 5 पार्ट्स में आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आप 1 और 5 का यूज़ कर रहे हैं ना, दो नंबर का यूज़ कर रहे हैं, इससे एक फ्रैक्शन बना जो हुआ 1/5. ओके, हियर 1/5 इज अ फ्रैक्शन एंड इज अ नेम ऑफ द न्यूमरल फॉर फ्रैक्शनल नंबर 1/5. तो यहाँ 1/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है, और इसे फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखोगे आप, 1/5. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल लाइक पिज़्ज़ा. अगर मैं पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4, और फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा, 1/4. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन एंड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल नंबर. एक फ्रैक्शन एक नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. द होल मे बी अ सिंपल ऑब्जेक्ट लाइक अ चॉकलेट बार और अ पिज्ज़ा और अ एप्पल और अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल और 7 बॉल्स एक्सेट्रा. ओके,
एक होल नंबर कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे चॉकलेट बार है, पिज्जा है, एप्पल है, ग्रुप ऑफ पीपल है। फॉर अ फ्रैक्शन टू बी डिफाइंड द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल, एक फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसके जो पार्ट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अ सिंपल फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी यू हैव लर्न्ड दैट व्हाट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरल अबाउ द हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर। यानी ऐसा नंबर जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ अगर दे रखा है तो वो डिनोमिनेटर होगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ अगर नंबर दे रखा है तो वो न्यूमरेटर होगा। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। लाइक 2/3, 2/3 इज अ फ्रैक्शन। इन दिस फ्रैक्शन 2 इज अ न्यूमरेटर एंड 3 इज अ डिनोमिनेटर। जो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डिनोमिनेटर 3 है और जो अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है वो न्यूमरेटर होगा। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। इन दिस फिगर 2/3 पार्ट इज शेडेड। 3 इक्वल पार्ट में से 2 पार्ट्स को शेड कर रखा है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन एज अ डिवीजन। अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट 2/3 इज एज 2 डिवाइडेड बाय 3। द डिविडेंड इट इज रिटन एज न्यूमरेटर एंड डिवाइजर इज रिटन एज डिनोमिनेटर। यानी हम दूसरी तरीके से हम 2/3 को कैसे लिख सकते हो, आप 2 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हो। और यहाँ डिविडेंड क्या है, डिविडेंड किसके रूप में लिखा गया, एक न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 2, और जो डिवाइजर है वो क्या है, रिटन एज डिनोमिनेटर, उसको क्या लिखा गया है, डिनोमिनेटर के रूप में। इंपॉर्टेंट नोट इज फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर। इंपॉर्टेंट नोट है कि फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को, और साथ ही साथ में ये फ्रैक्शनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। अ फ्रैक्शन a अपॉन b इज अ क्वोशेंट ऑफ अ होल नंबर, a डिवाइडेड बाय अ होल नंबर b, बट b इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अ नेचुरल नंबर b। यानी इसका मतलब हुआ कि फ्रैक्शन a अपॉन b है जिसमें a क्या है, a को डिवाइड किया b से, बट b क्या नहीं होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर साइड में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। सपोज यू हैव अ कलेक्शन ऑफ 15 बॉल्स डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल ग्रुप्स। अगर आपके पास में 15 बॉल्स है और उसको आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो हर के पास में कितनी बॉल्स आएगी, हर एक इंसान के पास में कितनी बॉल्स आएगी, 3 बॉल्स आएगी। इफ़ यू टेक आउट 3 ग्रुप्स आउट ऑफ दीज 5 ग्रुप्स देन क्लियरली एज अ पिक्चर शोज यू विल टेक आउट 9 बॉल्स। अगर आप 5 ग्रुप्स में से 3 ग्रुप्स को अलग करते हो, आप पिक्चर में क्लियरली आपको पता चल रहा है कि आपके पास में कितनी बॉल्स आई, 9 बॉल्स आई है, तो आप फाइंड कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपके पास टोटल थी 15 बॉल्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5। अब अपने 3 अपॉन 5 क्यों लिखा, क्योंकि 15 में 3 अपॉन 5, आपने 5 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को ले लिया था, 3 पार्ट को लिया था, तो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 9। अगर आप ऐसे फाइंड करना चाहते हो तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं फ्रैक्शन को। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टॉट इन दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, comment your reviews and share with your friends, and most important, subscribe my channel. Bye guys, keep practicing, because maths is a subject not to learn but to practice. Thank you so much.